ये बॉडी के ऊपर जो गहरा जख्म है वो खत्म हो जाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। सिस्टर का नाम संदीप है और जो अमृतसर मोदल गांव के रहने वाले हैं और जो सिस्टर की गवाही जे जो बता रही के 10 दिन से इस बेटी की बॉडी में एलर्जी हो गई थी, इसके पाँव में भी और हाथों में ऐसे छोटे छोटे पिलकरे थे और इसके हाथ में बहुत ऐसे बड़ा ऐसे रेशे से भरा हुआ एक पिलकरा हो गया था। सबसे पहले हम उस पिक को देखते हैं, अपनी स्क्रीन में देखो, और जिसके कारण जो बेटी बहुत ऐसे दर्द में थी, तकलीफ में रहती थी और जो बहुत ऐसे रोती भी थी, और जैसे जो सिस्टर ऐसे प्रभु में विश्वास करते थे, हर मीटिंग में आते थे और जो बता रहे कि इन्होंने मेडिसिन नहीं ली जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, पर जो बताते कि इनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी बेटी छोटी है, हो सकता है इसके हाथ में काक लगा हुआ हो, और जो बताते कि इन्होंने अपना मन खराब नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर बिलीव किया कि परमेश्वर आप इसके लिए सब कुछ कर चुके, मुझे विश्वास है। जैसे उन्होंने विश्वास में बने रहे और जो सिस्टर पिछले थर्सडे की मीटिंग में आए और प्रभु के दास के मुख से हीलिंग हुई कि जिनकी बॉडी में कोई गहरा जख्म है, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। ये बॉडी के ऊपर जो गहरा जख्म है वो खत्म हो जाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। रिसीव करो जो आपकी बॉडी के ऊपर गहरा जख्म है। मैं आख्या करता हूं उस बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा को जिसने अपने जीव आपके बॉडी पर ये जख्म दिया है, जिसने आपकी बॉडी पर ये जख्म दिया है, राइट नाउ मैं आख्या करता हूं वो जख्म सूख जाए यीशु के नाम से। वो जख्म सूख जाए, वो जख्म सूख जाए। बताते कि जैसे वो रेशे से भरा हुआ पिलकरा था, वो रेशा निकलने के बाद वो जख्म हो गया था जो अच्छा नहीं हो रहा था। जैसे इन्होंने थर्सडे की मीटिंग में इस हीलिंग को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसी समय प्रभु की आत्मा ने इस बच्ची को टच किया और जब बता रहे कि उस दिन से जो जख्म था वो पूरी तरह से सूखना शुरू हो गया। अब जो जख्म पूरी तरह से अच्छा हो चुका, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, हम सब देख भी सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरी तरह से। दिखाओ कैमरे में, झूम करो, अच्छे से दिखाओ, दे देखो, आमीन, ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन में। ये देखो वही जगह है जहां पे कितना बड़ा वो पिलपरा पानी से भरा जब फटा और एक बहुत जख्म बन गया। क्या बन गया? क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो जख्म बहुत ऐसे बन गया और ढुंगाई में चला गया, जिसे परेशान थे, पर अपना विश्वास दिया, अपना मन दिया, क्या दिया? अपना विश्वास दिया, मन दिया, बुद्धि नहीं लगाई और श्वास रखा। इसीलिए वो ये अपनी बेटी के साथ आज आपके सामने गवाही से खड़े हैं। ये छोटी बात नहीं है, बोलो क्या है? ये छोटी बात नहीं है। ये देखो आपने देखा ना अभी पिक में कितना बड़ा वो पिलकरा था, पूरा उसमें रेशा भरा हुआ था, जब फटा और जख्म बन गया। सोचो जब जख्म बनता तो कितनी तकलीफ थी। मेरे हाथों में ना कुछ रगड़ने से मेरे कुछ हल्के से ऐसे खून निकला, अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, और मुझे 2-3 दिन हल्का सा है। मुझे ये उंगलियों पे है मेरे, अभी तो निशान नहीं नजर आ रहे। तुम मुझे 3 दिन बहुत इसकी तकलीफ रही। इसका तो बहुत बड़ा हालात था। क्या था? इसका तो बहुत बड़ा हालात था। परेशान करने वालों के लिए बाइबल में लिखा क्या हो सकता है? सब कुछ। हाँ, ये तो सिर्फ एक इन्फेक्शन के कारण पिलकरा, हाँ समझा नहीं ना, अजख्म हो गया। मैं कहता हूं इससे भी कोई कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं, अगर परमेश्वर मृतों को जीवित कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? उस परमेश्वर के लिए और इस गवाही के लिए और अपने लिए जोर से तारीफ करो। हालेलुया।